हाय दोस्तों, मेरा नाम संतोष कुमार है और मैं आपका स्वागत करता हूँ हैक्स एंड ट्रिक्स के हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हम लोग कैसे अपने दोस्तों के साथ कमांड प्रॉम्प्ट को यूज़ कर के मस्ती कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगा, चूँकि ये जो वीडियो है और जो ये ट्रिक है कमांड प्रॉम्प्ट पे भी बेस्ड है, तो सबसे पहले उसके लिए हमें कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना होगा अपनी पीसी में। ओपन करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट को रन मेनू से। उसके बाद सबसे पहले, जैसे कि अगर आप अभी ये कमांड प्रॉम्प्ट में यहाँ पर देख रहे हैं c/users/santosh, तो ये डायरेक्टरी यहाँ पर शो कर रहा है कि हम लोग अभी सी ड्राइव के यूज़र्स के अंदर संतोष फोल्डर में अभी हम इस्टेब्लिश हैं। और अगर इसको आप देखना चाहते हैं इसकी डायरेक्टरी को, अगर हम यहाँ पर डायरेक्टरी टाइप करते हैं तो यहाँ पर ये शो हो जाएगा हमें कि इसमें कितने सारे फोल्डर्स अवेलेबल हैं। cls अगर हम टाइप करते हैं तो इस कमांड को ये क्लियर कर देगा। तो सबसे पहले इस डायरेक्टरी से हमको बाहर आना होगा, जो मैं करने जा रहा हूँ उसके लिए cd... टाइप करके हम उस डायरेक्टरी से वन बाई वन बाहर आ सकते हैं। उसके बाद इसको हम इसके स्क्रीन के कॉर्नर में प्लेस कर देते हैं। और मैं चाहता हूँ कि एक और कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करूँ, तो उसके लिए मुझे स्टार्ट टाइप करना होगा, तो एक और दूसरी विंडो कमांड प्रॉम्प्ट की ओपन हो जाएगी। उसके बाद मैं इस विंडो को यहाँ पर प्लेस कर दूँगा, आप इसको देखते रहिए केयरफुली। जी, मैं चाहता हूँ कि एक और हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो हो, उसको मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। जी हाँ, कुछ इस तरीके से इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं। और सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो जो सारी कमांड प्रॉम्प्ट की विंडोज़ हैं उनकी जो लोकेशन है सेम है सी ड्राइव के अंदर डायरेक्टरी में। सी ड्राइव मैंने यहाँ पर फोल्डर को इसलिए चुना हुआ है, या फिर सी डायरेक्टरी को मैं यहाँ पर इसलिए चुन रहा हूँ क्योंकि सी डायरेक्टरी हमारी वो डायरेक्टरी है जिसमें सबसे ज़्यादा फाइल्स फोल्डर्स होते हैं उसमें, क्योंकि हमारी जो विंडो होती है वो इंस्टॉल्ड होती है, उसमें छोटी छोटी डायरेक्टरीज होती हैं, छोटे छोटे फाइल्स होते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा होते हैं। तो उसके लिए अब चूँकि मैं एक ऐसा वीडियो बनाने वाला हूँ जिससे कि हम लोग अपने दोस्तों को ये बता पाएँ कि हम लोग अब इस सिस्टम को हैक कर रहे हैं या फिर इसकी फाइल्स को स्कैन कर रहे हैं, तो उसके लिए आइए सबसे पहले इसका जो टाइपिंग विंडो है कमांड प्रॉम्प्ट का कलर चेंज करते हैं। color/a कैपिटल ए अगर हम लोग टाइप करेंगे तो एक नए कलर को यहाँ पे प्रोड्यूस करके, ये जो कि ग्रीन कलर है और हैकिंग के लिए थोड़ा स्टैंडर्ड कलर है, सो इसीलिए मैंने इस कलर को चेंज सेलेक्ट किया है। इसके बाद अब यहाँ पे कमांड टाइप करने वाला हूँ tree। ट्री कमांड को टाइप करते ही जो सी डायरेक्टरी, जो हमारा सी डायरेक्टरी है उसमें जितने भी हमारे फाइल्स हैं फोल्डर हैं उन सबको वन बाय वन उनकी लोकेशन को यहाँ पर ये शो कराएगा। उसके बाद एंटर कर देंगे tree इसमें भी और उसके बाद तीसरी विंडो में भी। और अब आप उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो कंप्यूटर स्क्रीन है उसकी विंडो पर काफ़ी सारी फाइलें एक साथ एक्सेस हो रही हैं, और देखने में इसको ये लग रहा है कि कोई भी आपके कंप्यूटर को सारी जो इन्फॉर्मेशन है इसको हैक कर रहा है या फिर इसको एक्सेस कर रहा है। सो इट्स अ कूल वे, आप अपने दोस्तों के साथ ये मस्ती कर सकते हैं, इसको शो कर सकते हैं और ये दिखा सकते हैं कि आप उनके किस सिस्टम को किस प्रकार से हैक कर रहे हैं या फिर लॉग इन कर रहे हैं या फिर एक्सेस कर रहे हैं उनकी फाइल्स को। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, हम लोग जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। देख पा रहे हैं कि आप किस प्रकार से ये तब तक कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि सी डायरेक्टरी की सारी फाइल्स सारी फोल्डर्स उसकी सारी टेम्प्रेरी फाइल्स को यहाँ पर स्क्रीन पर शो नहीं कर देता, वन बाय वन ये सारी फाइल्स को शो करेगा। तो अगर आप इस प्रोसेस को ब्रेक करना चाहते हैं, सपोज मैं अगर इस प्रोसेस को ब्रेक करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे Ctrl+C टाइप करना होगा। Ctrl+C टाइप करते ही ये प्रोसेस को ब्रेक कर देगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इसमें हमने सीखा कि हम लोग किस प्रकार से कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ कर सकते हैं एक नए कूल तरीके से। सो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जुड़ पाए। सो दैट इज़ फॉर टुडे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। संतोष कुमार साइनिंग ऑफ, हैव अ गुड डे, बाय बाय। हाय दोस्तों, मेरा नाम संतोष कुमार है और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि हम लोग किस प्रकार से एक सिस्टम का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अगर आप एज ए गेस्ट भी लॉगिन हैं उसके बाद भी हम लोग उसका पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट को यूज़ करके। सो आइए बात करते हैं इसके बारे में।